लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि अब रेनी सीज़न शुरू हो गया है और इस वक्त अच्छे से क्लाउडी डे है, खूब बादल छाए हुए हैं और झरना, बारिश का झरना जो होता है वो धीरे धीरे बारिश हो रही है। एनवायरनमेंट काफ़ी ठंडा हो गया है इस वक्त और ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, स्पेशली रोज़ प्लांट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे कितने हरे हो रहे हैं, इसको देखिए यहाँ कलियाँ भी अब ये आ रही हैं, कितना खूबसूरत ये वाइट रोज़ प्लांट है और काफ़ी डेवलप है, पूरी मैंने केयर की है पूरी सीज़न में इनका भी, जो दो महीने लगभग निकल रहे हैं मई और जून जो बहुत ज़्यादा झुलसाने वाले थे, इसमें मैंने काफ़ी केयर की। मरे भी हैं पौधे लेकिन काफ़ी हद तक मेरे बचे भी रहे हैं, अलग अलग मैंने ट्रीटमेंट दिए हैं तो उसके हिसाब से ठीक है। इस वक्त काफ़ी सुहावना मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की और बारिश भी हो रही है, ठंडा मौसम है और यही मौसम धीरे धीरे इन गुलाबों को सही करता जाएगा और इनके जो पैटर्न है फ्लावर्स के वो भी ओरिजिनल फॉर्म में धीरे धीरे आने लगेंगे, क्योंकि डल कलर हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत बड़ा असर पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, स्पेशली यहाँ प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। कुछ ब्लूमिंग भी हो रही है अगर आप देखें, ये डबल डिलाइट्स कह लो या टाइगर कह लो, दो तरह का कलर आता है इसमें, बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें निकला है, छोटा सा भी बड़ा होगा क्योंकि अभी टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है तो धीरे धीरे इसका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब मौसम चेंज हो रहा है लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप फंगीसाइड का स्प्रे लगातार लगभग पूरे साल ही करना चाहिए, हर हफ्ते में दो बार तो कर देना चाहिए। कल मैंने किया था स्प्रे सब पेन का फंगीसाइड का, क्योंकि फंगस बहुत जल्दी लगता है, किसी भी मौसम को ले लो फंगस ज़रूर लगता है, तो फंगस को रोकने के लिए फंगीसाइड का स्प्रे जो इस आपका सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, जैसे साफ फंगीसाइड है ज़्यादा बहुत फेमस है वो, तो उसको लीजिए आप और एक लीटर पानी में 10 ग्राम करीब डिजोल्व करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए पत्तों पे और मिट्टी पर भी स्प्रे कर दीजिए, ताकि फंगस जो भी वहाँ स्पोर्स हों फंगस के वो मर जाएँ। और ह्यूमिक एसिड 15 दिन के गैप से डालते रहें, तो जड़ें, ह्यूमिक एसिड का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जड़ों को मजबूत करता है वो, जड़ों की ग्रोथ करता है वो, जिसकी वजह से फिर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का सही होता है तो लीव्स ब्रांच और फ्लावर्स और बर्ड्स वगैरह अच्छे से डेवलप होते हैं। तो पानी का स्प्रे शाम में करें, सुबह में करें, और अगर मिट्टी गीली सूखी है बहुत ज़्यादा तो पानी डालें, तो पानी का भी बहुत ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ आपको फंगीसाइड का स्प्रे तो छोड़ना ही नहीं है, आपको ये समझिए कि बीमारी आएगी तभी करेंगे, उससे पहले से ही स्प्रे कर देना चाहिए। और जो प्लांट बूस्टर हैं जैसे बायोविटा है वगैरह हैं, ये इकोडस है, तो इन्हें भी आप टाइम टाइम करते रहा करें, ताकि लीव्स और रूट्स वगैरह भी मजबूत रहें, लीव्स मजबूत रहें, क्लोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो। तो अब मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बारिश अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, तो अब टेम्परेचर पर कंट्रोल होने लगा है, तो जितना कंट्रोल रहेगा टेम्परेचर पर पौधा आपका गुलाब का उतना पनपेगा। आप देख रहे हैं ज़्यादातर मैंने मिट्टी के गमले में लगा रखे हैं पौधे, ज़्यादातर एक दो कुछ कुछ छोड़ के इनको भी रिप्लेस कर दूंगा जब मौसम, मैं अक्टूबर में जो प्लास्टिक गमले उनको रिप्लेस कर दूंगा मिट्टी के गमलों से, अभी मैं इन्हें छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ये ख़त्म हो सकते हैं, इनकी रूट्स को नुकसान पहुँच सकता है अगर मैं निकालूंगा इन्हें, तो उस वक्त मैं रिपोर्टिंग करके इनके नए गमले में लगा दूंगा इन्हें, तो आप भी ऐसे ही करें। तो आप देख रहे हैं अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर का मौसम, थोड़ा सा गीला हो रहा है, बादल हैं और आप देखते हैं कि हल्की हल्की बारिश, जो फर्श गीला हो रहा है छत का ही देखिए हल्का हल्का सा, तो ये काफ़ी हद तक ग्रो हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पौधे अब पहले से काफ़ी बेहतर होने लगे हैं, इनमें हरा हरा पर आने लगा है, जितना सूखने थे सूख गए, अब ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो रहे हैं, काफ़ी हद तक इनमें इम्प्रूवमेंट है। यहाँ देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन के होने लगी है, ये फूल आए थे अब तो खैर ख़त्म हो रहे हैं, इनमें बाहर आने लगी है क्योंकि अब बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बहुत पनपते हैं ये, धीरे धीरे करके अभी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ देखिए आप ये वाइट फ्लावर हैं, बहुत कलियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे करके ये ठीक हो रहे हैं। तो आपको इस मौसम में फंगीसाइड तो खैर लगानी है, हर मौसम में लगानी है, वैसे फंगीसाइड है और ह्यूमिक एसिड, इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए,
बाकी एनपी के 1919 या 2020 हो गई वो यूज़ कर सकते हैं, और भी हैं 12-61 हैं तो उनका भी यूज़ कीजिए, 15-15 या 40-40 उसमें तो 30-30 दिन के गैप से करना जो आप एनपी के वगैरह लगाएंगे, डीपी वगैरह लगाएंगे। बाकी वर्मी कंपोस्ट है जो रोज से के लिए अलग मैन्योर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।